अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। हीरा गोल्ड निवेशक साथियों, आपका हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम कोई मनमगढ़ंत आपके लिए न्यूज़ें लेकर नहीं आते, कोई चालू पूसी की न्यूज़ लेकर नहीं आते। हम कोई कंपनी में पैसा हमारा इन्वेस्ट नहीं है जो हम आपको, या हम कोई प्रमोटर नहीं है जो आपको आश्वासन दें। जो न्यूज़ हमारे पास आती है दोस्तों, वो न्यूज़ लेकर आते हैं जो हीरा गोल्ड के, जो हीरा गोल्ड में इस वक्त मैटर चल रहा है और सरकारी जो प्रक्रिया है इसके ऊपर चल रही है, उसके आधार पर जो हमारे पास न्यूज़ आई है दोस्तों, आज वो लेकर आए हैं। ये न्यूज़ दोस्तों वास्तव में तो इंग्लिश में आई थी, लेकिन हिंदी में ले बनाकर हमने इसको आपके लिए पेश किया। चलिए आपको भी पढ़ाते हैं और हम भी पढ़ते हैं कि पूरी खबर हैदराबाद की क्या है। सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को मानते हुए अपील की जमानत सेवा हीरा सोना घोटाले के आरोपी नोहेरा शेख CCS अधिकारियों ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SSIO प्रवर्तन निदेशालय ED और आगे की जांच के लिए समन्वय करने का फैसला किया है। हम जमानत आदेश के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं, हमारी कानूनी टीमें इस पर काम कर रही हैं। CCS ने डिप्टी कमिश्नर अविनाश मोहंती ने TOI को बताया। हीरा ग्रुप के MD नोहेरा शेख को मंगलवार को हाई कोर्ट से सरतक जमानत दे दी थी। उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करने करके और पुलिस के सामने नियमित रूप से पेश होने के लिए कहा गया था, जो हमने आपको पिछली न्यूज़ में बताया था। आगे खबर है, जबकि HC ने SFIO को जांच करने के लिए कहा है। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि एजेंसी के पास IPC अपराधों की जांच करने का कोई जनादेश नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि SFIO ने भी अदालत को सूचित किया है कि IPC के अपराध की जांच करने का उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन SFIO कंपनी की धोखाधड़ी की जांच का हिस्सा है। एक अधिकारी ने कहा कि वे मामले में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं। हीरा सोने के घोटाले के मामले में न केवल हैदराबाद में बल्कि अन्य राज्यों में भी मामला दर्ज किए जाते हैं। ईडी ने पहले ही मामले में आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। CCS ने कुर्की आदेशों को भी स्थानांतरित कर दिया है। दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अल्लाह खैर।